चलिए सबसे पहले कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, है ना, क्या क्या याद करके रखे हैं, नहीं रखे हैं जो। चलिए सबसे पहले कृति बताएंगे। कृति, माइक ऑन कीजिए। कृति लगता भाग गए, माइक ऑन छोड़ गए। चलिए प्राची, आप माइक ऑन कीजिए। आप बताइएगा, सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कन्वर्शन का ही है। आप बताइएगा 1 नैनोमीटर में कितना किलोमीटर होगा, जल्दी से बोलिए, फास्ट में कम बोलना है, बोलिए जल्दी से। -10^-12 को हिंट नहीं कर रहे हैं, 10^-12। चलिए आप बताइएगा 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये बोलिए जल्दी से। सब कन्वर्सन याद करने बोले हैं। लगता आप याद नहीं किए अच्छा से। चलिए आप बताइएगा वर्क का यूनिट बोलिए, या साइंट बोलिए वर्क का। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। सरफेस टेंशन का बोलिए, नहीं याद किए हैं, आज आपके घर पहुंच जाएगा। मैं कॉपी कीजिए अपना, इतना लेट नहीं। चलिए उसके बाद बताएंगे, राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो बोलेंगे। यस सर। चलिए 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब में ध्यान में दें, 10^6 होगा, सही है। आप बताइएगा पावर का यूनिट बोलिएगा, पावर, हाँ पावर का, kg meter square per second cube। ठीक है। चलिए आप बताइएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का बोलिएगा। सर प्लैंक्स बोलिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का बोलिए। सर नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, तो माइक ऑफ कीजिए। सर kg meter square per second square। चलिए आप बताइएगा ध्यान से, अब अगला आप माइक ऑफ कीजिए। रुद्राज कुमार। सर चलिए आप बताइएगा लीनियर मोमेंटम का यूनिट बोलिए, kg meter second minus 1। वेरी गुड। आप बताइएगा 1 मिलीमीटर में कितना नैनोमीटर होगा, 10^-9। देखिए 1 मिलीमीटर में 10^ नैनोमीटर, हाँ बोलिए, 10^6 प्लस या माइनस, प्लस। चलिए आपको याद है, चलिए ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए अब। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, पिछले क्लास में बहुत सारा चीज पढ़े थे उसके आगे अब बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्राची श्री, अगर आप याद करके नहीं रहेंगे तो आपको हम ज्वाइन करने नहीं देंगे, बस समझ लीजिए, क्योंकि पढ़ने से तभी फायदा हुआ जब मेरा सब कुछ याद करके रखिएगा, नहीं तो मीटिंग यहाँ से काट देंगे हम, आपको ज्वाइन ही नहीं करने देंगे, सब कुछ कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। आईडी चला भी जाएगा तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं आप, जो याद नहीं करेंगे उनको परेशान करेंगे, बस इतनी सोच लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से भरी होगा, और आज हम जेई मेन यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल सा कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन है, इफ यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ
इज डबल, क्या डबल हो गया। इफ यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ इज डबल देन हाउ द यूनिट ऑफ फर्स्ट में वर्क, सेकेंड में पावर चेंज। ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ को अगर डबल कर देंगे तो हाउ द यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर चेंज, तो एक हम बताते हैं और एक आप लोग बना लीजिए, तो मजा नहीं आ जाएगा। बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है, तब तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो अब जरा गौर कीजिए, हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा। पहला का देखिए वर्क है, तो वर्क का यूनिट आप देखिए यू से यूनिट डोनोट कीजिएगा। हमें बनाने का एक टेक्निक होता है और यहाँ पर से देखिए टेक्निक में हर एक टीचर अलग तरह से बताते हैं और मैं सबसे सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क पहले इनिशियल मैंने पहला बार यूनिट जो वर्क का होगा वो के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू था, याद कर लीजिए। अब सेकेंड टाइम जब वर्क का यूनिट लिखेगा यू टू, तो उस केस में क्या कहता मास और लेंथ का यूनिट डबल कर दिए, तो मास का क्या है टू के जी कर दीजिए, लेंथ का कितना कीजिए टू मीटर कर दीजिए, यूनिट को डबल करना है। आइए मीटर का पावर था तो यहाँ इसका पावर होगा, याद कर लीजिए। बात समझिए कैसे सेटिंग करना है, और यहाँ सेकेंड माइनस टू है उसको तो कोई चेंज ही नहीं किए हैं, केवल मास और लेंथ को डबल किए थे, तो इसीलिए अब यू टू बराबर लिखिएगा तो ये टू के जी, और इसको जब तोड़िएगा तो देखिए इसको जब तोड़िएगा तो टू का पावर भी टू होगा और मीटर का पावर भी टू होगा और सेकेंड माइनस टू होगा। अब टू का पावर टू हो गया फोर और टू जा एट, तो यू टू बराबर हो गया एट के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, और इसी को तो आप क्या कहते हैं, आप ही बताइए इसी को आप क्या कहते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसी को आप कहते हैं माने यू वन, इसी को कहते हैं आप यू वन, यानी यू टू बराबर जो हो गया आपका एट यू वन आ गया, यू टू बराबर क्या आ गया एट यू टू, मतलब यूनिट जो है आठ गुना बढ़ गया है, देख लीजिए ध्यान से यूनिट है जो आठ गुना बढ़ गया है। तो इसको मत उतारिए, आप पावर का बताइए कि पावर में क्या चेंजिंग है, जल्दी से बना करके बोलिए फास्ट में एकदम, क्योंकि उतारने का काम बाद में करेंगे, है ना, पहले जी सर आ जाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, यानी कि यहाँ पर जो है दोनों का आंसर एट आया। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अब आंसर को इसी तरह सभी रहने देते हैं। कहता है इफ यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ इज डबल देन हाउ द यूनिट ऑफ वर्क, नहीं हाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वर्क एंड पावर चेंज, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो इसको जब निकालना हो तो देखिए ध्यान से, हम यहां दो मेथड बताएंगे उस क्वेश्चन को बनाने का, उस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड, मतलब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल दिए हैं, देख लिए थोड़ा सा बदले हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज करेगा। तो आपको जब क्वेश्चन जब फेयर कॉपी बनाइएगा तो ध्यान समझ लीजिए, फेयर कॉपी कैसे बनाइएगा, आप माइक ऑफ कीजिए अपना, जब फेयर कॉपी बनाइएगा तो कैसे बनाए, जैसे वो क्वेश्चन पहले बताए हैं वो क्वेश्चन को पूरा उतार लेना, फिर से उसको दूसरा क्वेश्चन बना के उतारना है, ये नहीं कि मेरे जैसा ही काम कर दीजिएगा खिचड़ी वाला, है ना। तो बात समझ लीजिए, इसको बनाने के लिए क्या होगा, आपका एन वन यू वन और एन टू यू टू वर्ड यूज कीजिएगा, तो एन टू बाद का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो एन वन और यू वन बटा यू टू, देख लीजिए ध्यान से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का डायरेक्ट मेथड ये है, तो एन वन है, अब U1 मतलब पहला बार यूनिट किसका, वर्क के लिए निकाल रहे हैं, तो पहला बार है के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, दूसरा बार में क्या है टू के जी है, टू मीटर का होल स्क्वायर है और सेकेंड माइनस टू है, तो इसको कटवाइएगा तो एन टू बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से एन वन बाई एट आ जाएगा। गुना भाग करने के लिए सीखिए अपने से, यानी यूनिट अगर आठ गुना बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आठ गुना घट गया, ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। कैसे बना जो इसको बनाने के लिए ये मेथड है, उसको बनाने के लिए वो मेथड, दूसरी बात और भी समझ सकते हैं सेकेंड मेथड में हम क्या, अगर यूनिट याद है
Q2 बराबर AT1 आ गया, तो इसको नहीं भी करने से आपको क्वेश्चन बन जाता है। कहिए कैसे, ये तो आ ही गया था। आप N2 बराबर लिखते हैं N1 और U1 बटा U2 लिखते हैं, याद कीजिए। और आपका U2 बटा U1 8 था, तो U1 बटा U2 क्या हुआ 1/8। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि N1/8 हो जाएगा। लेकिन ये वाला कब लगेगा डायरेक्ट मेथड, जब आपको यूनिट का वैल्यू याद होगा। क्या, जब यूनिट आपको पता होगा तब लगेगा, अन्यथा वो नहीं लगेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो प्रॉब्लम है तो बताइए, यानी कहने का मतलब समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके बात पता चलेगा आपको। आया बात समझ में, तो आगे बढ़े। तो देखिए, यहां तक में समझ में आ गया बात, किन्हीं को पूछना है तो बताइए जल्दी से। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। रिपीट नहीं होता है, आप पूछिए क्वेश्चन। रिपीट का मतलब आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, माइक ऑफ कर कहीं घूम रहे होंगे। क्या समझ में नहीं है, क्वेश्चन पूछिए। पढ़ाने का तरीका वो नहीं है कि आपके आज्ञा का पालन हम करेंगे। आप डाउट एराइज कीजिए कि सर यहाँ पर क्यों आया, उसका रीजन बताया जाता है। क्वेश्चन पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आया वो हम बताएंगे। देखिए 9th 10th वाला आप भूल जाइए थोड़ा सा, वैसे कहिएगा रिपीट करने के लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग नहीं खुलेगा। क्वेश्चन पूछिए तब दिमाग खुलेगा कि क्वेश्चन कैसे राइज होता है। जो देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हमने कहा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा। N1 U1 N2 E2 N2 बराबर N1 U1 by U2 हो गया फॉर्मूला। आने की वर्क के बारे में लिखना था, पहला बार में पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वर्क का यूनिट होता है केजी मीटर सेकंड माइनस टू, जो लिखा हुआ है आपका। सेकंड टाइम में कह रहा था कि मास और लेंथ का यूनिट डबल कर दीजिए, तो मास का और यूनिट लेंथ का यूनिट डबल कर दिए, गुना भाग किया, आपका आंसर आ गया N1/8। यही प्रोसेस है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से फिर से। इस क्वेश्चन को बना करके अब मेरे पास भेजना है व्हाट्सएप पर, अगला क्वेश्चन जो देंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ इज डबल बट यूनिट of time is half, then how the unit and numerical value yani unit of mass and length is double but unit of time is half, then how the unit and numerical value ऑफ फर्स्ट में फोर्स, सेकेंड में वर्क और थर्ड में पावर विल चेंज। देखिए ध्यान समझिएगा मेरी बात को, इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए और सिर्फ फोर्स के बारे में हमको लिख के बताइए कि क्या रहा है आंसर, सिर्फ फोर्स के बारे में, और बाकी दो फिर रह जाएगा होमवर्क आपके लिए। इसलिए पहले दो उतार लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए, है ना, और तब फोर्स का सिर्फ बना करके हमारे कॉपी पर भेजिएगा, आंसर नहीं पूरा बना के भेजना है। चलिए देखिए, आप लोग जो बना के भेजे थे उसमें क्या गलती किए हैं अब सोच थोड़ा कीजिएगा। इसलिए हम बोले थे एक बना के भेजने के लिए, क्योंकि उसको हमको बताना है एक को, अब बाकी दो आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। प्राची श्री आप बनाक नहीं भेजे हैं, हेमा आप भी बनाक नहीं भेजे हैं, आप लोग क्या करते रहते हैं। चलिए इधर देखिए, अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं। जो यहाँ पहला क्वेश्चन है फोर्स, उसके लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिट के लिए तो पहले बोले थे अगर आप F1 लिखते हैं तो F1 लिख दीजिए, यूनिट से क्या होगा केजी मीटर सेकेंड माइनस टू फोर्स का यूनिट होता है। सेकेंड टाइम जब F2 लिखिएगा तो 2 kg लिखिएगा,
टू मीटर लिखेगा, डबल किया गया है, टाइम को हाफ किया गया है तो एस बाई टू लिखेगा। टाइम को हाफ किया, उसका पावर क्या है, माइनस टू है। देखिए गुना भाग में कहां गलती करते हैं वो सोचिएगा आप लोग, कैसे गलती कर देते हैं वो सोचिए। दो दूनी चार हो गया, पहले ये केजी मीटर। देखिए जब इसको लिखेगा तो एस का पावर माइनस टू लिखाएगा, टू का पावर माइनस टू लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, फिर नहीं बोलिएगा सर रिपीट कर दीजिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं, ये सोचिए। अब इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ टू हो जाएगा। अब फोर इसको ऊपर ले जाइएगा तो इंटू टू का पावर टू होगा, क्योंकि नीचे रहता है प्लस तो ऊपर जाके हो जाता है माइनस, नीचे रहता है माइनस तो ऊपर जाके होगा प्लस। के जी मीटर सेकेंड माइनस टू। अब ये चार ये भी हो गया है, इसलिए एफ टू बराबर हो गया 16 के जी मीटर सेकेंड माइनस टू को हम एफ वन कहेंगे, यानी फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट है जो 16 गुना बढ़ गया है। 16 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। और इसको बनाइएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को, आप इधर से बनाइएगा एन टू बराबर लिखिएगा एन वन यू वन बटा यू टू, ऐसे बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे बनाइए, तब नहीं जल्दी बनेगा। और तब यहाँ पर एन वन बराबर एन वन आई इन टू, तब फोर्स का यूनिट क्या होता है के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, और नीचे क्या हो गया के जी के बदले टू के जी, मीटर के बदले टू मीटर, सेकेंड के बदले एस बाई टू का पावर माइनस टू। इसको गुना भाग करेंगे तो फिर से आपको क्या आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आ जाएगा के जी मीटर सब कट जाएगा, ये वन बाई आपका 16 आ जाएगा, यानी एन वन बाई 16 आ जाएगा आंसर आपका। यानी कि यूनिट जो है आपका कितना गुना, देख लीजिए ध्यान से, यूनिट जो है आपका 16 गुना बढ़ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 16 गुना घट जाएगा। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए, क्योंकि दो क्वेश्चन फिर आपको बनाना पड़ेगा। किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट बोलिए, ये मत कहिए सर रिपीट कर दीजिए, आदत आप लोग अपना सुधारिए। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की बारी है, उसको देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बाकी जो क्वेश्चन दो बचा हुआ वो घर में बना लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन उतार लिए थे आप लोग, ठीक है। अब आपको देखिए देते हैं नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी मेडिकल में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देते हैं। मेडिकल में ये 2011 में पूछा था क्वेश्चन, 2011 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है NEET में, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसी फॉर्मेट को कैसे बदल दिया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, क्वेश्चन दिया है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल इज 4 g/cm - 3 दिया है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 4 g/cm² इन अ सिस्टम, फुल स्टॉप उसका है, इन अ सिस्टम इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज देखिए यूनिट ऑफ लेंथ इज जो है आपका 10 cm है, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 g, एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 g, क्या है आपका 100 g है, यूनिट ऑफ मास इज 100 g। फाइंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस यूनिट सिस्टम, फाइंड वैल्यू, वैल्यू मतलब वही न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस सिस्टम। क्वेश्चन बना उतारिए पहले, उसके बाद बनाना शुरुआत कीजिए। ऑप्शन भी इसका चार है, वो लिखवा देते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन उतारिए आराम से एकदम।
देखिए क्वेश्चन है जो बहुत भारी नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार, टाइम आपको दिया गया है, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, दिमाग भिड़ाते रहिए, क्वेश्चन आखिर क्यों इससे बनाते हैं हम लोग, तभी काम चलेगा। देख लिए ध्यान से एकदम अच्छी तरह से, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 4 g/cm-3 इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 cm, यूनिट ऑफ मास इज 100 g, फाइंड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में डेंसिटी का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, और आंसर जो दिया है आपको, पहला दिया है 0.04 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 40 और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका 400 दिया हुआ है। ये आपका चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, उसको बना के दिखलाना है आपको। जल्दी से बनाइए, उसका जेई मेन 2019 का भी क्वेश्चन देंगे, एक साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले बना करके इसको हमको बतलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बना भेजे हैं, देखिए सबसे पहला जो आंसर आया है कृति कोमल का आया है, चलिए शुभम का आया है सबसे पहले 0.4 आया है, अपना अपना आंसर याद करते जाइएगा, फिर तनिष प्रभाकर का आया है 40 आया है, फिर राजेश 40, फिर आपका आयुष कुमार 40, देखते हैं किनका सही है और किनका सही नहीं है, जो और जो नहीं लोग बनाए हैं वो थोड़ा चेक कर लीजिए अच्छे से। देखिए हम पहले ही बोले हैं कि आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालना रहे तो n2 बराबर लिखिएगा, n2 बराबर n1 u1 बटा u2 लिखिएगा, n1 आप बताइए u1 है ना, तो n1 कितना है पहले ये बताइए, n1 यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है और u1 क्या है, ग्राम है और सेंटीमीटर माइनस 3 है, पहले यूनिट वो है, कहता एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर के बदले 10 cm दिया हुआ, देख लीजिए, और मास के बदले 100 g दिया हुआ है, लेकिन डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, वो तो नहीं बदलेगा, मास के बदले दिया है कितना 100 g, तो मास वही लिखाएगा यूनिट का, लेकिन 100 g लिखाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 10 cm है तो सेंटीमीटर के बदले 10 cm आया, सेंटीमीटर के बदले आई पावर माइनस 3 है जो जैसे वैसे ही रहेगा, ये बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले, अब हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है, देख लिए ध्यान से, हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं बात को, हम क्या लिखे हुए हैं जो एकदम क्लियरली समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो देख लीजिए गौर से, तो अगर इतना समझ गए हैं 4 g/cm और 100 g इतना दिया हुआ है आपका, तो बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस बात को भी समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये n1 है, u1 है और ये u2 है, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ समझ में आ गया बात तो एक ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और देखिए मैथ के अनुसार अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो 4 cm-3 ऊपर बचेगा, ये 100 बचेगा, अब देखिए 10^-3 होगा ये इंटू में, और सेंटीमीटर का पावर भी माइनस 3 होगा, तो ये तो अब कैंसिल हो गया, अब इसको जब लिखिएगा 4/100 इंटू 10^-3 तो ये तो पावर 2 है, तो माइनस 1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा 4 × 10 यानी 40 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन था और कंसेप्ट अगर सही फट से बन गया आपको, और वो भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, आप सोच लीजिए
कंपटीशन में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता आपको। आप सोच सकते हैं कि एक का गलत हुआ था, कैसे गलत किया हमको लगता है उनका कैलकुलेशन एरर था, बाकी सब लोग का जो जो भेजे थे उनका सही था। यानी कंसेप्ट को पकड़िए तो क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ चुके होंगे मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब हम आपको 2019 यानी एक साल पहले लगभग जो जेई मैंने पूछा वो क्वेश्चन था उसको हम बात कर रहे हैं अब, कि आखिर वह क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनेगा। देखिए जेई मेन जो 2019 में क्वेश्चन पूछा था वह क्वेश्चन का क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन वो है आया हुआ जो क्वेश्चन है 2019 जेई मेन में, क्वेश्चन का डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 128 केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन है जेई मेन, जेई में आया हुआ है 2019 में, है ना। कहता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल मटेरियल इज 128 केजी पर मीटर क्यूब है दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। इन अ सर्टेन यूनिट्स, फिर कह रहा है इन अ सर्टेन यूनिट्स, इन अ सर्टेन यूनिट, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, इज 50 ग्राम। फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल मटेरियल इन दिस यूनिट, इन दिस यूनिट। जल्दी से बना करके भेजिए व्हाट्सएप पर फास्ट में एकदम। फास्ट में जल्दी से बना के भेजिए। जरा भी नहीं रुकिए, फास्ट में बना के भेजिए आंसर, फिर तो जरूर आंसर सही आएगा। बस याद कीजिए, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। एक भेजें अभी जिनका आंसर सही आया है, रुद्राज कुमार का एकदम 100% आंसर सेम आया है। चलिए एक और आ गया है राजेश, आपका भी बिल्कुल सही है जी, एकदम 100% सही है आंसर। तो देख लीजिए जेई मेन में इसी तरह से क्वेश्चन, और देखिए अब हर एक साल यहां से एक क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे पूरे फीस में 500 टॉपिक है, 500 में आपको 25 क्वेश्चन आएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है ये हम बता रहे हैं। आयुष कुमार का भी आ गया है, आपका भी आंसर सही है आयुष कुमार। देखिए सब लोग को समझ में आ गया बात, केवल गुणा भाग करना बाकी है। जिनको नहीं समझ में आया लास्ट ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन रहे, तो आपको n2 बराबर सीधा सीधा n1 u1 बटा u2 लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। n1 क्या है, 128 है, kg है, मीटर माइनस 3 है। अब डेंसिटी का अगर यूनिट है तो डेंसिटी का यूनिट हर बार सेम ही होगा, लेकिन लेंथ को कहता है 25 सेंटीमीटर लेने के लिए और मास को 50 ग्राम लेने के लिए कहता है। तो लेंथ को और मास को 50 ग्राम, तो kg के बदले 50 ग्राम कहता है लेने के लिए, 50 ग्राम केजी के बदले, मास के बदले 50 ग्राम। और मीटर यानी लेंथ का यूनिट है तो लेंथ के बदले 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर का पावर आप तो माइनस 3 लिखेंगे ही हर हाल में। अब सोच लीजिए ध्यान से, आपको करना आखिर क्या है, देख लीजिए ध्यान से, यही लिखना था आपको बस, और कुछ नहीं करना था। अब आप क्या कीजिए, इसके बाद कटवाने छटवाने वाला काम करना पड़ेगा आपको।
क्या कीजिएगा, 128 है। अब ग्राम को केजी में बदलते हैं कि केजी को ग्राम में, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम तो इसको नहीं बदलेंगे, हम तो केजी मीटर माइनस थ्री ऊपर रहने देते हैं, हम आपकी बार उल्टा बनाएंगे आप लोग से। 50 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 50 गुने 10^-3 केजी लिखेंगे, याद कर लीजिए। 1000 से भागा देते हैं और ये लिखेंगे 25 × 10^ या 25/100 लिखेंगे, 100 से भागा देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन हम अभी आपका पावर को कोई छेड़खाने नहीं किए हैं, हम 25 सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे तो 1/4 मीटर होगा, हम वो लिखे हैं। पावर के साथ छेड़खाने नहीं किया जाता है, एकदम बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, 100% समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब इसके बाद की अगर बात करते हैं, आप समझने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मेरा तो सोल्यूशन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि 128 है, केजी से केजी कट जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, नीचे बच जाएगा देखिए कितना, 50 × 10^-3 है, तो 50 रहने ही देते हैं और 10^-3 भी रहने ही देते हैं। और वो जो हो गया 1/4 × -3 हो गया ऐसे ही, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि देखिए ये ऊपर चला जाएगा 4^-3, देख लिए ध्यान से, इसको 1^-3 और 4^-3, ये 4^-3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप लिखेगा 128 × 4^-3 और ये 50 × 10^-3। अब बताइए ये 4^ जो माइनस थ्री आया ऊपर में कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो नीचे ले जाइए 128 अब 4^3 हो गया, अब नीचे जा करके आ इसको 50 रहने दीजिए और 1000 को लेके चले जाइए ऊपर, ये जो 10^-3 को ऊपर लेके चले गए। अब देखिए 4 × 4 × 4 क्या आएगा, 16 आ इसे काटेगा तो 2 बार का कटेगा, यानी 2 × 1000 ऊपर बचा हुआ है और 50 जो है नीचे बचा हुआ, तो ये कट गया, आने की 40 आपका आंसर आ गया। आने जो आंसर इसके पिछला क्वेश्चन जो नीट पूछा था उसका भी आंसर यही आया था, 40 आया था, इसमें भी आंसर। देखिए सेटिंग देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू का सेटिंग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो देख लिए ध्यान से, अगर यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो हमको बतलाइए, बात समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। जो यहां तक में अगर समझने में कोई कष्ट है तो हमको जरूर बतलाइए, कोई कष्ट नहीं है। तो देखिए यूनिट अब आपका समाप्त हुआ, अब इसके बाद डायमेंशन पढ़ना है, इस यूनिट क्या हो गया आपका समाप्त हो गया, अब इसके बाद आपको डायमेंशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है डायमेंशन। यूनिट में इसी तरह से इतना ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, वो भी बता दिए हैं। मेनली क्वेश्चन डायमेंशन से आता है, कहाँ से आता है, डायमेंशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, यूनिट से बहुत कम बार पूछा गया है ना, लेकिन पूछा क्या है वो भी हम आपको बता दिए हैं और बात भी आप लोग समझ चुके होंगे, इसी को बार बार रिविजन करेंगे जरूर आपको फायदा होगा। अब देखिए डायमेंशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, लेकिन आप यूनिट में क्या समझे उसको आप लोग बताइए, आप यूनिट में क्या करना है, आपको क्या चीज समझ के रखना है। आगे बहुत दिनों तक, 2 साल तक 1 साल तक 1.5 साल तक जब तक पढ़ेंगे तब तक क्या क्या चीज याद करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लर्न करके रखना है कि आपको पता चला है फर्स्ट स्टेप कन्वर्सन, पहला स्टेप कन्वर्सन क्या है वो याद रखना है, नैनोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, है ना, एम्पियर से मिली एम्पियर, ये कन्वर्सन आपके दिमाग में होना चाहिए, कलम कॉपी का यूज नहीं करना है। दूसरा सेकेंड ऑर्डर कन्वर्सन था, उसमें भी कुछ टर्म याद करना है आपको, जैसे हम बोले थे कि 1 g/cm³ को 1000 kg/m³ कहते हैं, सब याद करके रखना है, इसमें लर्न करने वाला भी है ना। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी बता दिए हैं, जेई मेन और नीट का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब आपको बहुत सारा ऐसा यूनिट है जो आपको सीधा याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। जैसे आप लोग हॉर्स पावर का नाम सुने हैं, इंजन जो होता है 1 horsepower का होता है, 2 horsepower का होता है, अब वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल यूनिट है जो 11th-12th में यूज आता है, उसको लर्न करना है, उस स्पेशल यूनिट को हम अभी लिखवाते हैं, ठीक है।
कुछ स्पेशल मतलब डायमेंशन अगले क्लास में चलेगा, अभी हम उस स्पेशल यूनिट को लिखवा देते हैं यहाँ पर, बात समझिए। आप लोग चाहें साथ लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें सम इम्पोर्टेंट कन्वर्सन है जो आपको हम बारीकी से लिखवा देते हैं, उसको सीधा सीधा रट्टा मारना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले लेंथ का कन्वर्सन हम लोग देखेंगे कि लेंथ में कौन कौन ऐसा कन्वर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको याद ही करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो लेंथ का कौन कौन ऐसा कन्वर्सन है उसको देखते हैं। तो लिखिएगा फॉर लेंथ के लिए, किसके लिए, फॉर लेंथ के लिए, लेंथ के लिए कौन कौन सा कन्वर्सन है उसको लिखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक आप जानते होंगे इंच है ना, वन इंच में क्या होगा, वन इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से एक होता है यार्ड, वन यार्ड है ना, रेलवे यार्ड, एक यार्ड जो होता है वो जो होता है 3.28 फीट के बराबर, मतलब कि एक यार्ड में 3 फीट होता है, ये बात याद कर लीजिएगा, 3 फीट होता है, यानी कि एक यार्ड में 3 फीट होता है, 3 फीट का गैप होता है यार्ड में, कितना का, 3 फीट का गैप होता है एक यार्ड का, मतलब ये लेंथ का सब है, अभी जो लिखेंगे सब लेंथ का लिखेंगे, इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से। अब एक मीटर में लगभग 3.28 फीट होगा, एक मीटर में इतना फीट होता है, और एक फीट में जो होता है लगभग आपका 30.48 सेंटीमीटर होता है, इस बात को समझ लीजिए, ये सबको लर्न भी करना पड़ेगा आपको, बस समझ लीजिए, ठीक है। एक होता है आपका माइल, क्या होता है, माइल, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में जो होता है आपका, 1 माइल में, या 1 माइल लिख सकते हैं, एम आई एल, माइल दूरी होता है, नहीं देखते होंगे आपका बॉलर जो करता है इतना माइल पर के हिसाब से किलोमीटर, माइल पर आवर के हिसाब से जो गेंद फेंका जाता है, 1 माइल में होता है 1609 मीटर होता है, कितना होता है, 9 मीटर होता है, इस बात को ध्यान से आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से एक होता है बोर रेडियस, जो एटॉमिक सेल का बहुत फेमस है, बोर रेडियस ये होता है 0.529, क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, और या इसी को लिख सकते हैं 0.529 × 10⁻¹⁰ मीटर, क्या, 10 मीटर, और एंगस्ट्रम वर्ड जब यूज में आ गया तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻¹⁰, देखिए 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻¹⁰ मीटर या 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, 10⁻¹⁰ मीटर या 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर होता है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए इसके बाद जो होता है, आप समझिएगा बात को अच्छी तरह से, क्या करना है यहाँ पर, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक क्या होता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, उसको भी याद करना है, चलिए यहाँ आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और उसका मतलब होता है 1 पॉइंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब जो होता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऊपर लिख दें, बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन होता है, और इसको 1 AU कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और ये होता है 1.49 × 10⁻¹⁰ 1.49 × 10⁻¹⁰ मीटर होता है, इसको याद करना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कहते हैं। एक लाइट ईयर का नाम सुने होंगे आप लोग, लाइट ईयर, ये बहुत आप पहले से ही पढ़े हैं, 1 लाइट ईयर,
लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन ईयर, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन वन ईयर, कितना? वन ईयर। तो वन ईयर में डिस्टेंस कितना कवर होता है? डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी गुने टाइम, तब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को, वेलोसिटी को सी से गुणा करते हैं, इनटू टाइम, वन साल का। तो देखिए वेलोसिटी कितना है, 3×10⁸ पढ़े हैं, आ एक ईयर में कितना सेकेंड होगा, तो 365 दिन, आ एक दिन में होता है 86,400 सेकेंड। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसको जब गुना करते हैं तो लाइट ईयर एल बाई से डिनोट होता है, वन लाइट ईयर का वैल्यू क्या आता है, सबको गुना भाग कीजिएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 9.5×10⁵, 9.5×10⁵ मीटर, इतना मीटर की दूरी निकल जाएगा। कितना? एक साल में लाइट, सोचिए कितना दूरी है। एक पार्सेक होता है या प्रैक्टिक सेकेंड पार्ट, पार्सेक या पैरालैटिक सेकेंड कहते हैं, ये भी डिस्टेंस का है, पार्सेक, ये पार्सेक होता है, वन पार्सेक, पार्सेक, वन पार्सेक, लगता है कि जैसे ये टाइम का यूनिट है वन पार्सेक, लेकिन है ये डिस्टेंस का, इसमें होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, वन पार्सेक मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो ये सब सम यूनिट था किसमें, लेंथ के लिए आपको याद करना है, लेंथ का ये सब कुछ यूनिट है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। पैरालैटिक सेकेंड, इसका पूरा नाम है पार्सेक, ये सब लर्न करने वाला है, ये सब पूछेंगे अगले क्लास में सभी लोगों से, बस इतना ही समझ लीजिए, छोड़ेंगे किन्हीं से नहीं हम, सम स्पेशल यूनिट है, ये सब भी लर्न करना पड़ेगा और कॉपी फेयर बना करके हमको भेजना पड़ेगा बना करके सब। देखिए नहीं लर्न करेंगे तो धीरे धीरे काम गड़बड़ा जाएगा, बस इतना ही याद कर लीजिए, और आप लोग लिख भी लिए होंगे इसलिए फिर से, अब ये सब लेंथ का लिखाए थे इतना यूनिट, अब उसी तरह से मास का भी कुछ कुछ स्पेशल यूनिट होगा, अभी पूरा स्पेशल नहीं लिखा रहे हैं, अभी उतना ही स्पेशल लिखा रहे हैं जितना काम चलेगा, कुछ स्पेशल यूनिट आपके हर एक चैप्टर में आएगा, जैसे हम वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग कोई यूनिट आएगा, है ना, वहां पर फिर यूनिट का डिस्कशन होगा। यूनिट डायमेंशन फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आएगा, बस इतना ही याद कर लीजिए, सभी जगह इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका बेसिक और कुछ लर्न करने वाली चीजें और क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट आता है जो, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं फॉर मास के लिए, ठीक है, किसके लिए लिखते हैं, फॉर मास के लिए लिखते हैं, तो फॉर मास के लिए लिखते हैं तो मास में थोड़ा कम है, अब मास में बहुत सारे यूनिट है लेकिन आपको नहीं जाना, जैसे इंडियन सिस्टम का कोई यूनिट आपको नहीं जानना है। अब देखिए एक पौंड, पौंड का नाम सुने होंगे आप, है ना, वन पौंड, देखिए पौंड को शॉर्ट में लिखा जाता है एलवी से, एल और बी से, पौंड को शॉर्ट में लिखा जाता है एलवी से, तो वन पौंड में होता है 454 ग्राम। केक आप इसी से खरीदते हैं, बस याद कर लीजिए, केक जो खरीदते हैं पौंड में खरीदते हैं, ये पौंड का हो गया, ठीक है। फिर है एक क्विंटल, क्विंटल में तो सब लोग जानते हैं 100 kg, है ना, नहीं तो बोलिए तो लिख देते हैं, ऐसे सब लोग जानते हैं, वन क्विंटल में जो होता है 100 kg होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक टन में कितना होता है, देखिए एक टन में आप लोग जानते हैं 1000 kg होता है, लेकिन एक टन में जो होता है 907.2 kg होता है, और वन मीट्रिक टन, मीट्रिक मतलब समझते हैं ना, एक अलग नाम है, वन मीट्रिक टन में जो होता है 1000 kg होता है, याद करिए मीट्रिक टन में 1000 kg होता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। उसी तरह से अस्लग होता है, वन अस्लग, ये सब यूनिट का नाम है, ये सब कहीं कहीं यूज में आएगा पूरे फिजिक्स में, तो एक बार याद रहेगा तो वहां पर जल्दी समझ में आएगा। एक अस्लग में होता है 14.59 kg, 14.59 kg होता है। एक अंश, माइक ऑफ कर लीजिए, अंश, अंश तो समझते हैं सोना चांदी बिकता है अंश में, तो 28.35 ग्राम होता है एक अंश में, बस इस बात को समझ लीजिए, 28.35 ग्राम होता है।
और एक होता है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री का बहुत फेमस है। कितने लोग को याद है एटॉमिक मास यूनिट को? ऐसे इसको डिनोट करते हैं यू से, क्या चीज से डिनोट करते हैं यू से, और उसका वैल्यू जो होता है 1.6606 गुणे 10^-27 केजी होता है। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। देखिए मास का एक यूनिट होता है चंद्रशेखरा, यानी कि इंडियन साइंस रिव्यू को आ गया चंद्र शेखर लिमिट, इंडियन यूनिट है, यानी इसको CSL कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। और ये होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, मास ऑफ सन होता है, क्या होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन होता है। मास ऑफ सन कितना होता है? तो मास ऑफ सन जो होता है, लगभग याद कर लीजिए, मास ऑफ सन जो होता है, सूर्य का जो मास है लगभग 10^30 केजी होता है। और यह जो है मास का सबसे बड़ा यूनिट है। चंद्रशेखर दक्षिण भारत के थे, वो एक साइंटिस्ट थे, है ना, चंद्रशेखर लिमिट उन्हीं के नाम पर है, ठीक है। तो देखिए ये सब था आपका मास वाला रटने वाला, किसका? मास का रटने वाला था, ठीक है। ये सब छोटा छोटा यूनिट है जो कुछ कुछ याद कर लेना है, जो बाद में आपको फायदा करेगा। क्या करेगा आपको? बाद में फायदा करेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं और कुछ यूनिट और भी लिखाते हैं अलग तरह का। अभी लेंथ का हुआ, मास का हुआ, फिर टाइम का होगा, कुछ कुछ यूनिट तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो अब टाइम का लिखते हैं, टाइम में थोड़ा कम है, सबसे ज्यादा यूनिट जो है ना वो मासी का है, मास में बहुत ज्यादा है। अब उसमें बहुत कम लिखा है आप लोग को, हम उतना ही लिखा है जितना अभी याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे फीस का लिखा दिए, अभी उतना ही लिखा है जितना आप लर्न कर सकते हैं। तो टाइम का जो यूनिट है उसको देखते हैं क्या होगा। तो फॉर टाइम में चलिएगा, टाइम का कुछ कुछ यूनिट, तो टाइम में ज्यादा कोई यूनिट है नहीं, है ना, आपको एक याद कर लेना है। 1 आवर में 60 मिनट तो जानवे करते थे, इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, ये भी आप याद कर लेंगे हर हाल में। एक दिन में, 1 डे में, ये याद करके रखेंगे, 24 घंटा तो होता ही है 24 आवर, लेकिन 86,400 सेकेंड जो होता है ये जरूर याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्योंकि इसका यूज करेंगे बार बार आगे फिजिक्स में। तो एक ईयर में कितना हो जाएगा, 1 ईयर में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 1 ईयर में जब गुना भाग सारा कर लेंगे तो सेकेंड हो जाएगा 31.56 × 10^6 सेकेंड हो जाएगा, बस इतना सेकेंड हो जाएगा, आपको ज्यादा उससे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जरा समझ लीजिए बात को ध्यान से, एक सेक है, 1 सेक जो होता है वह होता है 10^-8 सेकेंड होता है, इतना सेकेंड होता है। ये किसके लिए मेजरमेंट होता है? तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन इतने ही देर के लिए एक्साइटेड होता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी लेता है तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है उसको एनर्जी देता है हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जो एक्साइटेड होगा वो एक्साइटेड कितना देर के लिए होगा? आपका मात्र आपका इतना सेकेंड के लिए, सेक मतलब सेकेंड होता है, उतना ही देर के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एरिया का फॉर्मूला, कुछ कुछ याद कर लेते हैं एरिया का भी एक फॉर्मूला है ना, इसको लिख लिया होंगे आप लोग, कुछ एरिया का भी फॉर्मूला कुछ कुछ याद कर लेना है सब। सेक देख लिए कितना हो गया होगा, चलिए एरिया, एरिया का जो मेजरमेंट होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एरिया का मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं जनरली, वो तो मीटर स्क्वायर में तो 10^4 cm² ये सब कन्वर्ट कर दिए थे, ऐसे इसको लर्न करना है, इसलिए हम बोले थे आज 1 मीटर स्क्वायर में 10^4 cm² इसको लर्न करके रखना है, ठीक है।
वन एकड़ में जो होता है आपका 4047 मीटर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, कभी कभी यूज में आएगा फिजिक्स में कहीं पे, ठीक है। और एक हेक्टेयर में होता है, देखिए 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा को कहते हैं, तो 10^4 हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर में इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा जमीन जो होता है ना, लंबाई चौड़ाई, उसको हम लोग एक क्या कहते हैं, हेक्टेयर कहते हैं। एक होता है यूनिट इसका बार्न, बार्न BARN, ये एक बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है एम्स में, 10^-28 मीटर स्क्वायर होता है। इससे हम लोग एरिया निकालते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का, एटम का भी नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एरिया कितना होगा उसको निकालते हैं। स्फीयर का एरिया जो होता है ना वो बाद में आता है, ठीक है। अब बाकी छोड़ देते हैं, बाकी तो फिर आपको अपने याद करना पड़ेगा, बाकी जहां पढ़ाएंगे वहां पर एनर्जी उनर्जी का जो है ना बहुत सारा का होता है, ऐसे लिखवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको याद करने भी टाइम लग जाएगा। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम आज भेज देंगे जिसको आपको याद करना है, ठीक है, फोटो उसको लिख लीजिएगा कॉपी पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे आज, ठीक है, और उसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, उसको जरूर कॉपी में सब जगह उतार लीजिएगा। जैसे कि माइक्रोन है ना, मेगावाट है, ये सबको आपको याद कर लेना है सीधा, ठीक है। तो इतना लिख भी लिए होंगे आप लोग, तो आप लोग को अब कोई कष्ट नहीं है। तो देखिए यूनिट खत्म हो गया है, क्या हो गया खत्म आपका यूनिट। आप बताइए इन सभी में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद डायमेंशन पढ़ना है फिर, तो डायमेंशन तो अगले क्लास में, डायमेंशन क्या अगले का मतलब क्या हो सर, किसका बोलिए, सेक का मतलब क्या होता है, SHAKE, ये यूनिट का नाम है, बार्न का मतलब क्या होगा, सेक का मतलब क्या होगा, आप बताइए हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, हेक्टेयर तो पहले सुने हैं ना, यूनिट क्या है, हम बोले थे ना एजम्पशन है, माना हुआ चीज है, नाम है वो, इसके लिए यूज हो। जैसे कि आप सेकंड का मतलब क्या समझिएगा, नाम में तो कोई छुपा हुआ थोड़ी है, जो साइंटिस्ट पहले बार जो दिमाग में आया वो नाम रख दिया आपका, है ना। न्यूटन का मतलब क्या समझते हैं आप, है ना, तो ये सब नाम रखा हुआ है, इसलिए हाँ आपको ये याद रखना है कि बार्न में इतना मीटर स्क्वायर होगा, सेक में 10^-8 सेकेंड होगा, ये आपको याद करना है सेक का मतलब, क्योंकि अब क्वेश्चन में कहीं देर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना देर के लिए एक्साइटेड होगा, 2 सेकेंड, 1 सेक, 2 सेक, तो आपको पता नहीं रहेगा कि सेक होता क्या है, तो कैसे आंसर दीजिएगा, इसलिए ये सब लर्न करने वाला चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अगले क्लास में डायमेंशन चालू करेंगे, डायमेंशन में प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, और ये वो नीट एग्जाम होता है जो हर एक साल वो क्वेश्चन पूछता है, वो जेई में एक क्वेश्चन तो निश्चित एकदम फिक्स्ड है, आपको आएगा ही, ठीक है, तो उसका क्लास अगले क्लास में होगा, आज क्लास यहीं पर इंड करते हैं, ठीक है। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं ना, तो क्लास इंड कर देते हैं।